जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता रानी की। दोस्तों, लोगों के प्रश्न होते हैं परमात्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ बसता है, क्या कण कण में। तो दोस्तों, लोग हैं ना परमात्मा को खोजने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, तलाश करते हैं उसको जगह जगह पे, मंदिरों में। जिस परमात्मा को खोजने के लिए बाहर जाना पड़े, जिस परमात्मा को खोजने के लिए हमें अपने से अलग प्रयास करना पड़े, तो समझ लीजिए वो परमात्मा वहाँ पर नहीं है। परमात्मा के बारे में अलग होकर के, अलग विचार से हमें सोचना पड़े, वो परमात्मा नहीं है वहाँ पे। जिस परमात्मा को खोजने के लिए आपको चलना पड़े, कदम उठाने पड़े, वो परमात्मा कहाँ हो सकता है, नहीं होगा, पक्की बात है। और फिर मनुष्य की सामर्थ्य ही क्या है, कि क्षमता ही क्या है कि वो परमात्मा को खोज ले, उसको प्राप्त कर ले, उसको ढूंढ ले, उसको देख ले। सालों हो जाती हैं, शरीर ख़त्म हो जाते हैं, जीवन राख में बदल जाता है, चिताएं जल जाती हैं, बिलख जाते हैं लोग, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि उनकी तलाश बाहर है, उनकी तलाश अपने अंदर नहीं है, खुद अपने को, अपने ऊपर तलाश नहीं होगी, वो उसको बाहर देख रहे हैं। व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं कि वो परमात्मा को बाहर खोज ले। परमात्मा वैसे कण कण में व्याप्त है, लेकिन आप उसे पत्थरों में, आप उसे स्थान विशेष में खोजने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत हैं। मंदिरों में आप ध्यान लगाते हैं तो वो ध्यान आपको परमात्मा दिखाता है, क्योंकि आप ध्यान लगा रहे हैं अपने अंदर। शक्तियाँ सब जगह विराजमान हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा विशेष ध्यान रहा तो माँ शक्ति की प्रचुरता हो गई, अधिकता हो गई। हजारों लाखों लोग ध्यान लगाते हैं, भाव लगाते हैं, और यदि परमात्मा को अंदर देख रहे हैं, अपने अंदर की तरफ उतर के खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो परमात्मा अवश्य मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेगा तो उसका एक अनावरण, उसका एक एहसास जरूर होगा। ज्ञान किताबों में नहीं होता है, ज्ञान अपने अंदर से उत्पन्न करना पड़ता है। किताबें एक माध्यम है, ये एक जरिया है। परमात्मा के लिए वाहे बाहर का ध्यान नहीं उत्तम। हम आप सब ओम बोलते हैं और जो समझते हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं आंख बंद करके ओम बोलने पर, कतई नहीं। यदि आप इस क्षेत्र में बहुत डीपली अगर आप इसमें एंटर कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। ध्यान अंदर से लगता है, यहाँ पर अंदर की तरफ से महसूस किया जाता है। आपको यहाँ पे स्पंदन शुरू हो जाएगा, और स्पंदन होगा तो समझ लीजिए ध्यान की शुरुआत हो रही है। मैं शिष्यों को, जब मुझे लगता है ज़्यादा कोई व्यक्ति कहता है, तो मैं उसको ध्यान यहीं से लगवाता हूँ, अंदर से लगवाता हूँ। और जो बाहर का ध्यान होता है वो नाक पे लगाया जाता है, नाक के अग्रभाग पे, नासिका अग्रभाग, वो बाहर का ध्यान होता है। ये चीज़ें ही आपको सफलता के मार्ग पर लेके जाती हैं। और जब आप ध्यान की उच्चतम अवस्था में होते हो, भगवान को खोजने की उच्चतम अवस्था में होते हो, तो आपका ध्यान 10, 15, 20 मिनट, एक घंटे, दो घंटे नहीं लगता है।
एक क्षणिक मात्र एक समय ऐसा आता है जब आप उस ऊर्जा को यदि आप डीप ध्यान में हो तब महसूस कर पाते हो, किसी रूप में, किसी माध्यम में। तो वो है ध्यान की उच्चतम अवस्था, समझ गए ना। उसको कहते हैं विस्मृत समाधि अवस्था। आप अपने आप को भूल चुके होते हैं, स्मृति का लोप हो चुका होता है, विस्मृत समाधि अवस्था। वो है ध्यान की उच्च अवस्था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, यदि हम किसी चीज में हैं